के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मुंबई में जल्द ही बीएमसी चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां इन दिनों इसे लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल निकाय चुनाव अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हो सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार के चुनावों में देरी होगी। इसका मुख्य कारण बीएमसी की सीटों को बताया जा रहा है। फिलहाल इन दिनों सीटों की सीमा निर्धारण का काम चल रहा है। इसके बाद ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। आपको बता दें कि पहले बीएमसी की सीटों की संख्या 227 थी, जिसे अब बढ़ाकर 236 कर दिया गया है। इसमें मुंबई के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चुनावों से पहले कम से कम 2300 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को बुधवार को स्थायी समिति के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बीएमसी का 5 साल का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो रहा है, इसीलिए यह स्थायी समिति की बैठक इस निगम की आखिरी बैठक होने की संभावना है। कोविड से संबंधित व्यय के लगभग 180 प्रस्ताव पेश किए जाने हैं। 27 सदस्यों के स्थायी समिति का नेतृत्व शिवसेना और नगर सेवक यशवंत यादव कर रहे हैं, जो कथित धन शोधन के लिए आईटी विभाग से जांच का सामना कर रहे हैं। भाजपा एमएलसी राजहंस सिंह ने मांग की है कि समिति के सभी प्रस्तावों को वापस ले लिया जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीएमसी की सीटों को बढ़ाया गया हो। इससे पहले भी साल 1991 से 2001 के बीच में जनसंख्या में 22.1% तक की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसके बाद 6 सीटों को बढ़ाया गया था। उस दौरान मौजूदा सीटों को 221 से 227 कर दिया गया था। इसी के मद्देनजर रखते हुए अब सीटों को फिर से बढ़ाया गया है। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।